हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस डाउट की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स का एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। हमसे बोला क्या गया है, स्मॉल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एब्जॉर्ब्स ए लाइट पल्स ऑफ पावर 20 वॉट एंड ड्यूरेशन 300 नैनो सेकंड्स, अज्यूमिंग स्पीड ऑफ लाइट एज 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स इक्वल टू। क्वेश्चन पर जेईई 2023 का है और चार ऑप्शन दे रखे हैं, यहां पर आपको करेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा 2×10⁻¹⁷ किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है और जो हमसे बोला गया है सबको पहले लिख लेते हैं और जो हमसे पूछा गया उसको भी लिख लेते हैं और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बस देखिए रखा है भैया, हमारे पास एक छोटा सा ऑब्जेक्ट या बस छोटा सा एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ इसमें भैया, एक लाइट बल्स आ रही है। क्या है ये हमारे पास? लाइट पल्स है ये हमारे पास। ठीक है, ये जो पावर है ना, ये जो यहाँ से लाइट पल्स आ रही है, इसकी जो पावर है वो हमारे पास कितनी दे रखी है? इसकी पावर हमारे पास दे रखी है भैया 20 मिली वॉट। ठीक है, ये बस क्वेश्चन में दे रखी है। पार्टिकल था ये इनिशियली क्या था भैया? रेस्ट पे था। इसकी यू थी यहाँ पास 0 इनिशियल वेलोसिटी। क्या हुआ जब ये लाइट बल्स इस पे पड़ी ऑब्जेक्ट पे, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो क्या हुआ भैया, इससे कुछ क्या है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले, क्योंकि भैया कोई एनर्जी पड़ती है तो कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलती है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले। ठीक है, ये बस क्या भैया, फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, ये निकले भैया, एमिट हुए। ठीक है भैया, तो समझ आ रहा है। टाइम की मैंने पास दे रखी कितनी है? 300 नैनो सेकंड्स एंड हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, जो टाइम है ना, ये इतने टाइम के लिए जो है लाइट बल्स इस ऑब्जेक्ट पे आई थी, मतलब जो 20 मिलीवॉट की जो पावर थी वो क्या है इस ऑब्जेक्ट पे इतने टाइम के लिए पड़ी थी, उसके बाद नहीं पड़ी। ठीक है, तो इसने टाइम में क्या है, बहुत सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे निकल गए यहाँ। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है देन, ये सब हमारे पास कंडीशन दे रखी है, देन द मोमेंटम, भैया मोमेंटम बता दो किसका, ऑब्जेक्ट का, बिकम्स इक्वल टू, भैया किसके इक्वल होगा ये हमें बता दो, बस सिंपल सी बात की जा रही है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इंसिडेंट ये जो वेव थी, जो इंसिडेंट जो वेव इस पर पड़ रही है, जो भी लाइट है वो इस ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है, तो इसके पहले एनर्जी निकाली, तो पावर हमें दे रखी है और कुछ टाइम दे रखा था, इतने टाइम के लिए पड़ रही है इस ऑब्जेक्ट पे, तो मतलब पावर इनटू टाइम में एनर्जी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्या निकालूंगा भैया, एनर्जी इंसिडेंट, जो भी इंसिडेंट वेव थी उसकी हम एनर्जी निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि मेरे पास पावर इनटू में टाइम, क्योंकि ड्यूरेशन इतने टाइम के लिए थी, ये हो जाए 20×10⁻³ वॉट हो जाएगा। वॉट को हम लिख सकते हैं क्या, जूल पर सेकंड्स, यूनिट्स लेके चला साथ में, इनटू में 300×10⁻⁹ सेकंड्स, क्यों, क्योंकि नैनो क्या होता है, एन है ना, एन का नैनो, और 1 नैनोमीटर हमारे पास होते 10⁻⁹, तो 1 नैनोसेकंड क्या हो जाएगी, 10⁻⁹, नैनो का मतलब समझ लेना 10⁻⁹ बस। ठीक है, तो सेकंड से सेकंड यूनिट करके बचा क्या, जूल, तो एनर्जी मेरे पास यहाँ पे आ गई जूल में, तो मेरे पास ई कितनी आ गया, ई मेरे पास यहाँ से आ गया भैया 6×10⁻⁹ जूल्स, यह बस क्या है, एनर्जी इंसिडेंट वेव की आ चुकी है। ठीक है, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि नंबर ऑफ फोटोस अगर आपको निकालनी है तो आपको फॉर्मुला पता होगा क्या भैया, ई इज इक्वल टू एन एच सी अपॉन लैम्डा, ये तो पता है, ये एन क्या है, ये एन ही तो हमें निकालना है, ये क्या भैया, नंबर ऑफ फोटोन्स, फोटोन्स कह लो, कुछ भी कह लो, कोई भी पार्टिकल कह लो, ठीक है, ये हमें निकालना है, तो ये आपको फॉर्मुला पता होना चाहिए यहाँ पर भैया। ठीक है, अब एनर्जी इंसिडेंट आपस नहीं है तो इसको पहले पुट कर देते, तो 6×10⁻¹ इधर हो जाएगा मेरे पास एन एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा, ठीक है, लैम्डा लैम्डा लिख देते हैं, इधर समझ आ गया, हमसे क्या पूछा गया, हमसे मोमेंटम पूछा गया है, तो मोमेंटम निकालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक पास क्या आ गया, यहाँ तक पास एक रिलेशन आ चुका है, अगर मैं स्कोर सिंपलीफाई करूँ तो एन की वैल्यू मुझे निकालनी है ना, तो एन को इधर कर लेते हैं, तो 6×10⁻¹ लैम्डा अपॉन में क्या हो गया, एच सी हो गया, इधर समझ आ गया। अब यहाँ तक हमने निकाल लिया, अब हमें तो निकालना था क्या, मोमेंटम, मोमेंटम हमें निकालना है, हमने एन अभी निकाला है, तो क्या पता है हमें, पता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये कैसे आ गया, ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो जो लैम्डा होता है वेवलेंथ होती है ना वो एच अपॉन पी होती है, मतलब कि जो भी प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन में क्या मोमेंटम, तो ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, ये रिलेशन आपको पता है तो आप इसको आराम से आगे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एच अपॉन एम वी ये है ना, तो एच अपॉन एम वी अगर हम देखें यहाँ से, ये तो बस क्या होगी, नंबर ऑफ फोटोस हमने निकाल लेते हैं, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, हमें मोमेंटम पूछा गया पूरे ऑब्जेक्ट का, अब ये पूरा ऑब्जेक्ट है, इससे बहुत सारे फोटोग्राफ्स निकालने थे, पूरा ऑब्जेक्ट कलेक्टिवली होगा ना, इसके जो भी इलेक्ट्रॉन्स सबको हम कलेक्टिवली लेके चलेंगे, क्योंकि जो ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट पूरी तरह से इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, क्योंकि इसमें जो एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो यू 0 थी, तो जो भी होगी, जो भी इलेक्ट्रॉन निकली है उसी की वजह से इसमें मोमेंटम आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या निकाली, अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स निकली हैं, पहली बात, अब इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना होगा, मोमेंटम, तो हमें क्या पता है भैया, वी हैव, हमें भी एक बात पता है, जो मोमेंटम होता है ना एक इलेक्ट्रॉन का या फिर एक फोटोन का, मोमेंटम ऑफ वन फोटोन, एक किसी फोटोन का अगर मोमेंटम देख लें इज एच अपॉन लैम्डा, ये होता है, ये कहां से आ गया, ये इस रिलेशन से लगाया मैंने, क्योंकि पी आई है, बस बी को देखेंगे तो एच अपॉन लैम्डा हो गया। ठीक है, अब हमारे पास कितने हैं, हमारे पास भैया पूरे मोमेंटम ऑफ कितने, एन फोटोन्स है ना, मोमेंटम ऑफ एन फोटोन, मैं फोटोन्स का हूँ, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का हूँ या फिर इलेक्ट्रॉन्स का हूँ, सब चीज सेम है। ठीक है, मतलब कि है तो पार्टिकल ही ना, तो उस पार्टिकल की हम बात की कर रहे हैं, ये बस क्या हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं एन फोटोन्स और ऑब्जेक्ट, पूरा जो ऑब्जेक्ट है, जो कि जो इनिशियल रेस्ट में था, तो फाइनली जो भी मोमेंटम आएगा तो ये फोटोन्स की वजह से ही आएगा, और कुछ नहीं है पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए हम क्या करेंगे, एन इनटू में एच वाई लैम्डा यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर लेते, तो एन की वैल्यू कितनी थी, 6×10⁻¹ लैम्डा अपॉन में एच सी इनटू में एच अपॉन लैम्डा, तो एच लैम्डा से लैम्डा गया, एच से एच गया, सी बच गया यहाँ पर, और सी की वैल्यू पास क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है, यहाँ से हम सॉल्व करते, तो 6×10⁻¹ अपॉन में 3×10⁻¹, ये था बस, ये ऊपर क्या था, जूल था, और नीचे क्या था, मीटर पर सेकंड था। ठीक है, यूनिट तो हमने ऊपर से देख रहे थे। ठीक है, तो मैं अब यूनिट यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि फाइनल से निकालना है, इसको मैं सॉल्व करता, तो 2×10⁻¹⁷ किलोग्राम मीटर
पर सेकंड। ये बस इसका आंसर आ चुका है, यही हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया, दैट इज 2 × 10⁻¹⁷ किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना था, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आप ये सॉल्यूशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पेज पर डाउनलोड भी कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता हूं अगली वीडियो में अगले डाउट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय टाटा।